ब्लैक इनको प्रेस कर ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जेबी सेबी और बैंक प्रमोशन की तरफ से। हमने बात करी बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम का प्रीवियस क्वेश्चन से, क्लर्क्स ऑफिसर का क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे छोटा सा एक आपका अनाउंसमेंट है। यहाँ हमारे पास यूनियन बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क्स ऑफिसर के लिए कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपको वीडियो लेक्चर कोर्स हो जाएगा और यहाँ पे आपको सर्कुलर्स की वीडियोज़ हो जाएंगी, क्वेश्चन से डिस्कशन वीडियोज हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा, पीडीएफ में 3000 सेट क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा, प्राइस रखा गया 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। पहले सवाल बात है ई के वाई सी यूज इन बैंक फॉर ओपनिंग ऑफ, ई के वाई सी यूज किया जाता है बैंक में ओपन करने के लिए क्या चीज़ का, ए ऑप्शन है करंट अकाउंट, बी ऑप्शन है कस्टमर आई डी, सी ऑप्शन है लोन अकाउंट, डी ऑप्शन टर्म डिपोजिट अकाउंट। तो हम ई के वाई सी क्यों करते हैं? बेसिकली हम ई के वाई सी करते हैं आपका कस्टमर आई डी बनाने के लिए। तो कस्टमर आईडी बन जाएगा तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, आपका करंट अकाउंट खोल सकते हैं, लोन अकाउंट खोल सकते हैं, टर्म डिपॉजिट खोल सकते हैं। बेसिकली मेन काम क्या है, ई के वाई सी करना, कस्टमर आईडी को क्रिएट करना, और ये अगर हो जाएगा तो उसके बाद आप सब कुछ कर सकते हैं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर टू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग एम लॉक, एम लॉक के संबंध में कौन सी बात सही नहीं है, यानी बेसिकली वो बात गलत है। ये ऑप्शन है, इट इज ए पैकेज प्रेजेंटली सेंट्रलाइज्ड एट हेड ऑफिस, हेड ऑफिस में ये पैकेज आज ही अभी के दौर में सेंट्रलाइज किया हुआ है। बी ऑप्शन कंजिस्ट ऑफ वेरियस सिनेरियोज ऑफ ट्रांजेक्शन विच आर कंसिडर्ड ऑफ बींग सस्पिशियस नेचर, बोलता है ऐसे बहुत सारा सिनेरियोज हो सकता है ट्रांजेक्शन का जहाँ पे कंसिडर किया जाता है सस्पिशियस नेचर का। सी ऑप्शन है, सस्पिशियस ट्रांजेक्शन आर जनरेटेड एज अलर्ट्स, सस्पिशियस ट्रांजेक्शन को आप अलर्ट के रूप में जनरेट किया जाता है। डी ऑप्शन है, वंस अलर्ट इज जनरेटेड द सिस्टम इज लॉक्ड, अगर एक बार अलर्ट जनरेट हो गया तो सिस्टम लॉक हो जाता है। सही ऑप्शन क्या है इसमें, यानी बेसिकली गलत ऑप्शन क्या है वो पूछ रहा है, बाकी तीन ऑप्शन सही एक ऑप्शन गलत वो पूछ रहा है आपसे। देखिए एमलॉक के संबंध में जो बताया गया कि ए ऑप्शन जो बोला कि प्रेजेंटली सेंट्रलाइज है हेड ऑफिस में, बात सही है। बी ऑप्शन बोलता है कि बहुत सारे सीनियर हो सकते हैं ट्रांजेक्शन में जिसमें कि सस्पिशियस नेचर कंसिडर किया जा सकता है, ये भी सही है। सी ऑप्शन है, जब सस्पिशियस ट्रांजेक्शन होता है तो आपको जनरेट करेगा अलर्ट, ये भी सही है। डी ऑप्शन है, एक बार अलर्ट जनरेट हो गया तो सिस्टम लॉक हो जाता है, ठीक है, एक बार अलर्ट हो गया तो सिस्टम लॉक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ये गलत ऑप्शन है। सही ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट एज रिगार्ड्स टू पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन, बोलते पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन यानी पीईपी के संदर्भ में कौन सी बात गलत है। ये ऑप्शन है, पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन आर डेमोक्रेट और डेमोक्रेटली इलेक्टेड पॉलिटिशियंस, पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन वो पर्सन है जो कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पॉलिटिशियन यानी जनता चुन के भेजती है। बी ऑप्शन हो जाएगा, पी पी आर इंडिविजुअल्स हु आर हैव बिन इंटरेस्टेड विद प्रोमिनेंट पब्लिक फंक्शंस इन ए फॉरेन कंट्री, बोलता है पी पी इस तरह का इंडिविजुअल होता है जिसपे कि बहुत सारे पब्लिक फंक्शंस वो करते हैं और खास करके फॉरेन कंट्रीज में। सी ऑप्शन है, बैंक शुड वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन, सीक इन्फॉर्मेशन अबाउट द सोर्सेज ऑफ फंड्स बिफोर एक्सेप्टिंग पी पी एज ए कस्टमर, बैंक को वेरीफाई करना पड़ेगा कस्टमर की आइडेंटिटी कि सोर्सेज ऑफ फंड्स कहाँ से आ रहा है पी पी एक्सेप्ट करने के रूप में एज ए कस्टमर। डी ऑप्शन है, बैंक शुड सब्जेक्ट अकाउंट ऑफ पी पी टू इनहेंस्ड मॉनिटरिंग, बैंक यहाँ पे पी ई पी अकाउंट को इनहेंस्ड मॉनिटरिंग के लिए डालेगा, तो कौन सी बात गलत है वो पूछ रहा है। ये ऑप्शन बोलता है, पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन वो पर्सन होता है जो कि डेमोक्रेटली यानी पब्लिक के द्वारा चुने जाते हैं, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। बी ऑप्शन बोलता है कि पी ई पी एक तरह का इंडिविजुअल होता है जो कि पब्लिक फंक्शंस अटेंड करते हैं, चाहे बहुत प्रोमिनेंट फिगर होते हैं फॉरेन कंट्रीज में पब्लिक फंक्शन में, ये बात सही है। सी ऑप्शन बोलता है कि यहाँ पे बैंक उसके अकाउंट को वेरीफाई करेगा, आइडेंटिटी वेरीफाई करेगा, इन्फॉर्मेशन निकालेगा लेगा कि आपका सोर्सेज ऑफ फंड क्या है पी पी को कस्टमर को एक्सेप्ट पी पी एज ए कस्टमर एक्सेप्ट करने से पहले, ये बात सही है। डी ऑप्शन है, क्या अकाउंट जो होता है पी पी का बैंक उसके इनहेंस्ड मॉनिटरिंग करता रहेगा, ये बात सही है। तो सही ऑप्शन क्या है, गलत जो ए। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए, द कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट इंक्लूड्स, कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट में क्या इंक्लूड होता है। ए ऑप्शन, ऑल कैश ट्रांजेक्शन वेर ए काउंटरफिट करेंसी हैज बिन डिपोजिटेड, बोलते सारा ट्रांजेक्शन जहाँ जाली नोट जमा किया गया है। बी ऑप्शन हो जाएगा, ऑल कैश ट्रांजेक्शन्स अबव रुपीज 5 लाख इन ऑल एंड ऑल इंटीग्रली कनेक्टेड कैश ट्रांजेक्शन, बोलता है कि सारा कैश ट्रांजेक्शन जिसका अबव होगा 5 लाख रुपये ज़्यादा और सारे इंटर कनेक्टेड होंगे ट्रांजेक्शन। डी सी ऑप्शन, ऑल कैश ट्रांजेक्शन अबव रुपीज 10 लाख एंड आर इंटीग्रली कनेक्टेड कैश ट्रांजेक्शन, बोलता है कि सारे कैश ट्रांजेक्शन जो 10 लाख रुपये से ज़्यादा होगा इंटीग्रली कनेक्टेड होंगे कैश ट्रांजेक्शन। डी ऑप्शन है, ऑल कैश ट्रांजेक्शन 10 लाख रुपीज एंड अबव ऑल इंटीग्रली कनेक्टेड कैश ट्रांजेक्शन, तो यहाँ क्या बोल रहा है कि सारे के सारे कैश ट्रांजेक्शन 10 लाख रुपये से ज़्यादा कहीं जो कि इंटीग्रली कनेक्टेड होंगे
कैश ट्रांजेक्शन से। सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी अब बोलते सारा कैश ट्रांजेक्शन जो 10 लाख रुपए से ज़्यादा का होना चाहिए, कितना? 10 लाख रुपए से ज़्यादा का होना चाहिए, 10 लाख 1 रुपए और उससे ऊपर, और इंटीग्रली कनेक्टेड होना चाहिए सारे कैश ट्रांजेक्शन। सही ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन 5 में, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑब्लिगेशन ऑफ द बैंक अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 डेट ऑल रिकॉर्ड्स पर्टेनिंग टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कस्टमर हिज एड्रेस एक्सेट्रा शैल कंटिन्यू टू बी प्रिजर्व फॉर ए पीरियड ऑफ एटलीस्ट 10 ईयर्स आफ्टर द बिजनेस रिलेशनशिप इज क्लोज इज इंडेड। मतलब बोलता है एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्लिगेशन है बैंकों के ऊपर कि जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 का, उसके तहत रिकॉर्ड जो होता है कस्टमर का, आइडेंटिफिकेशन का, उसके एड्रेस का, उसको प्रिजर्व करके रखा जाता है कम से कम कितने साल के लिए, जहाँ पे बिजनेस रिलेशनशिप खत्म हो जाता है। तो ये ऑप्शन 10 ईयर्स, बी ऑप्शन 20 ईयर्स, सी ऑप्शन 5 ईयर्स, डी ऑप्शन है 15 ईयर्स। सही ऑप्शन है सी, 5 साल के लिए रखा जाता है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, मनी मूल ट्रांजेक्शन सर, मनी मूल ट्रांजेक्शन किस प्रकार का? ऑप्शन है मनी बैग स्कीम ऑफ एसयूडी लाइफ, बी ऑप्शन है मनी लॉन्ड्रिंग सिस्टम, मनी लॉन्ड्रिंग ट्रांजेक्शन, सी ऑप्शन है न्यू स्कीम इंट्रोड्यूस्ड बाय पोस्ट ऑफिस फॉर मनी वायर ट्रांसफर, डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो जो मनी मूल ट्रांजेक्शन है बेसिकली आपका, मनी मूल ट्रांजेक्शन क्या है? ये एक तरह का मनी लॉन्ड्रिंग ट्रांजेक्शन आप इसको बोल सकते हैं, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 में, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 हैज कम इनटू फोर्स इन द ईयर, जो प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 का लागू कब से हुआ है? ये ऑप्शन 2002, बी ऑप्शन 2003, सी ऑप्शन 2004, डी ऑप्शन 2005। सही ऑप्शन है डी, 2005 से इम्प्लीमेंट हो रहा है, चाहे लागू हुआ है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, फर्स्ट PMLA अमेंडमेंट एक्ट 2002 केम इन टू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम, पहला जो PMLA प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 को जो अमेंडमेंट हुआ कब से लागू हुआ? ऑप्शन 1/9/2012, बी ऑप्शन 1/2/2013, सी ऑप्शन 1/3/2014, डी ऑप्शन 1/1/2015। बी ऑप्शन हो जाएगा 1/2/2013, बी ऑप्शन हो जाएगा 1/2/2013, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 में आइए, पनिशमेंट पनिशमेंट फॉर नॉन अडेरेंस ऑफ PMLA एक्ट, जो सजा है कि अगर कोई पालन नहीं करता है PMLA यानी प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, वो क्या होगा, सजा क्या होगा अगर कोई PMLA यानी प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को नहीं फॉलो करता है? ऑप्शन रिगरस इंप्रिजनमेंट फॉर 3 to 7 ईयर्स, बहुत ही कड़ा सजा होगा, जेल होगा 3 से 7 साल के लिए, बी ऑप्शन है रिगरस इंप्रिजनमेंट फॉर 4 to 1 to 3 ईयर्स, 1 से 3 साल के लिए काफ़ी कड़ा सजा होगा, सी ऑप्शन इंप्रिजनमेंट फॉर 1 to 3 ईयर्स, जेल होगा 1 से 3 साल के लिए, डी ऑप्शन इंप्रिजनमेंट फॉर 3 to 7 ईयर्स, 3 से 7 साल के लिए जेल हो सकता है। सही ऑप्शन क्या है? यहाँ पे बहुत ही, अगर कोई PML प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट फॉलो नहीं करता है तो काफ़ी कड़ा सजा होगा आपका, यहाँ पे वो जगह रिगरस इंप्रिजनमेंट 3 से 7 साल के लिए, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर, ये ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन 10 में आइए, ऑफेंस अंडर नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, मैक्सिमम पनिशमेंट इस, बोलते ज़्यादा सजा कितना होगा अगर कोई जुर्म करता है नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के तहत? ये ऑप्शन है रिगरस इंप्रिजनमेंट अप टू 5 ईयर्स, 5 साल का कड़क जेल होगा, बी ऑप्शन रिगरस इंप्रिजनमेंट अप टू 7 ईयर्स, 7 साल का बहुत ही कड़ा जेल होगा, सी ऑप्शन है रिगरस इंप्रिजनमेंट अप टू 10 ईयर्स, 10 साल का बहुत ही कड़ा जेल होगा, डी ऑप्शन लाइफ इंप्रिजनमेंट उम्र कैद। तो सही ऑप्शन है इसमें क्या होगा कि क्या जुर्म माना जा, क्या जुर्म कोई अगर किया नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 में, तो उसका मैक्सिमम पनिशमेंट क्या होगा? तो मैक्सिमम पनिशमेंट हो जाएगा रिगरस इंप्रिजनमेंट हो जाएगा, वो भी 10 साल के लिए, सही ऑप्शन हो जाएगा सी। यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क से ऑफिसर के लिए कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपको वीडियो लेक्चर कोर्स हो जाएगा, सर्कुलर से सारी वीडियो जाएगा, क्वेश्चन से डिस्क्रिप्शन वीडियो हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा PDF में, 3 जनरल क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा, प्राइस रखा गया है इसका 2,000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3,000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर हो जाएगा 4×9685127, या फिर वेबसाइट पे जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, वेबसाइट हो जाएगा www.jibcibstudymail.com, ईमेल आईडी हो जाएगा cdcnow3@gmail.com, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, थैंक यू वेरी मच।